हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज होली की सुबह है, तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ हॉल में, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ पूरे हॉल की क्लीनिंग। तो यहाँ पर कल के बहुत सारे कपड़े थे, कल मैं बहुत बिजी थी जिस कारण कपड़े नहीं मैं अरेंज कर पाई थी। तो अभी मम्मी जी बाबू को लेकर गई हैं बाहर, और मेरे हस्बैंड भी गए हैं मार्केट करने, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम है। बाबू भी अभी मेरे पास नहीं है, तो सोच रही हूँ मैं जितना भी घर का डेकोरेशन का काम है, सारा सामान अरेंज करना, वो मैं पहले कर देती हूँ, क्योंकि बाबू के आने के बाद फिर मुझे उसमें भी लगना है। वैसे मैं सुबह उसको मसाज करके और दूध पिलाकर फिर मम्मी को दे दी हूँ, और जब तक वो लोग बाहर रहेंगे तब तक मैं सारा पहले हॉल की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं हमेशा हॉल की क्लीनिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना सभी हॉल में ही बैठते हैं, रूम से ज़्यादा हॉल में सब बैठते हैं, तो इसीलिए अगर वो लोग आ गए तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसे मैं आराम से कर लूँगी और फिर उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए सबसे पहले मैं हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ और सारा साफ़ सफाई भी मेरा हो गया है। उसके बाद मैं रूम में लगाऊंगी, क्योंकि सभी हॉल में बैठेंगे ना, और बाबू भी आराम से यहाँ पर खेलेगी, और मैं रूम में तब तक कर लूँगी, इससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और होली वाले दिन है ना, तो बहुत सारे मुझे काम है सब जगह के, चादर चेंज करने, और इसलिए मैं नहीं कर रही थी दो दिन पहले, क्योंकि मुझे आज चादर चेंज करना था। होली के दिन है, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन खुद के लिए ना अच्छा लगता है करना, एक पॉजिटिविटी आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ होली में कोई आए तभी आप करें, खुद के लिए भी ना अच्छा लगता है कि हमारा घर सुंदर दिखे। तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो फिर भी कोई आया जाना है, मैं अपना हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, और वो कोई ओकेज़न हो तो और भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सब कुछ करना। और उसके बाद सारी जगह का सफाई होने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा रूम में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, आदमी से पूजा भी करना है, तो इसलिए यहाँ पर पूरा अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और लास्ट में बारी आती है मेरे रूम की, क्योंकि मम्मी जी को भी अपने रूम में काम होगा, तो इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैं उनके रूम का भी कर दी हूँ, और सबसे लास्ट में अपने रूम का क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज सभी जगह का मैं चादर चेंज कर रही हूँ, और ये सब नई चादर है, जब मैं गाँव गई थी तो फिर मम्मी यहाँ पर ली थी, तो इसीलिए मेरे आने के बाद ही मैं इसे देख रही हूँ। और बहुत सुंदर चादर है, हम लोगों ने ऑनलाइन लिया है इसे। और देखिए फाइनली मेरा रूम भी सुंदर लगने लगा बहुत ही। बस ज़्यादा कुछ नहीं, सामान सही जगह पे रख दो और अच्छे से चादर चेंज कर दो ना, तो रूम उतना में ही काफ़ी सुंदर लगने लगता है। और ये देखिए मेरा होली का डेकोरेशन हो चुका है, पूरा घर सज चुका है, यहाँ तक कि मैं डोरमेट भी नया ही यूज करती हूँ किसी भी फेस्टिवल में, तो सब जगह अच्छे से अरेंज करती हूँ। और सब जगह की सफाई होते ही सभी घर में भी आ गए थे मार्केट से। उसके बाद मैंने पूजा किया, और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, और खाने में बन रहा है पुलाव और मटन। तो मटन तो मम्मी जी बनाती हैं, और पुलाव मैं बना रही हूँ। और आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कुछ जो पकवान है वो हम लोगों ने कल ही बना लिया था, और कुछ जो है वो खाना बनाने के बाद, खाने पीने के बाद हम लोग बनाएंगे। तो जितना देर अभी हो रहा है पुलाव, उतना देर में मैं क्या करती हूँ कि जितने भी बर्तन है ना वो साथ ही धो लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। अगर मैं साथ साथ नहीं धोऊँगी तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो जाएगा, और बर्तनों का काम भी है, क्योंकि भाई आज फेस्टिवल है तो दिन भर तो खाना बनता ही रहेगा। तो साथ ही मैं साफ़ सफाई करते ही रहती हूँ ताकि ज़्यादा मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि एक साथ करने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए साथ के साथ मैं सारे काम कर लेती हूँ। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं किचन में एक काम कर रही हूँ ना, साथ ही दूसरा काम भी अगर मुझसे हो पाता है तो वो भी मैं साथ साथ कर दूँ। तो पुलाव भी हो चुका है और मटन भी बन चुका है, तो अब बारी आती है खाने की, तो मैं सबको अब देने जा रही हूँ खाना, और साथ ही खुद भी खा लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि पकवान क्या करना है, कैसे बनाना है, और मम्मी के साथ मिलकर बना लेती हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ काम ही कर रही हूँ, बीच बीच में ना मैं बाबू की मालिश और बाबू का खाना सब देख रही हूँ,
बस मैंने वो सब सूट नहीं किया है आप लोग के साथ। आने वाले ब्लॉग में मैं वो सब भी दिखाऊंगी आपको। और खाना पीना खाने के बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ ठेकुआ, काफ़ी खास्ता बना है हमारा ठेकुआ। और हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ सब कुछ बन चुका है और हम भी रेडी हो चुके हैं। तो हम दिखाते हैं अभी हमारे यहाँ क्या क्या बना है। तो ये देखिए, ये है ठेकुए जिसे खजूर भी बोला जाता है, तो वो बना है। और ये है पुआ, और ये है दही बड़ा, और इधर बने हैं पुलाव, और इधर बने हैं मटर। तो बहुत सारा कुछ बना है। उसके अलावा ये देखिए, अभी है जो थोड़ा पुआ और भी बनाना है, लेकिन शाम का टाइम हो रहा है तो अभी बन चुका है। और उसके बाद कचौड़ी, निमकी, सब कुछ बना है हमारे यहाँ। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ और होली मनाइए, एंजॉय कीजिए। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे घर में सब रेडी हो रहा है, मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ क्योंकि मेरे साथ बच्चा है ना, तो मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी और पहले करना पड़ता है ताकि लेट ना हो। तो चलिए, आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं आगे बने रहिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, बाबू सो रही है, बाबू को रेडी करने जा रहे थे तो वो सो गई है, तो उसे भी आराम करने देते हैं। और जब वो उठेगी तो मैं उसको रेडी कर दूँगी। वैसे वो रेडी है, बस उसे कपड़ा पहनाना है ना, और गर्मी यहाँ बैंगलोर में भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो मैं उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उसे सोने दे रही हूँ। और आगे मिलवाती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। और ये है मेरे हस्बैंड, मैंने आपके और डैड की बात सुनी थी। और ये देखिए, ये है रंगोली बना हुआ हमारे घर में। और अभी हम लोग अभी नहीं ले आए क्योंकि मम्मी जी रेडी नहीं हुई है, और घर के बड़ों को भी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग होली खेलेंगे। और अभी से ही हम लोग खेलते हैं, तो चारों तरफ पूरा घर भी सज चुका है और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा से ही अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं, लेकिन ये हमारी बेटी की पहली होली है तो इसे हम काफ़ी यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने और भी ज़्यादा अच्छे से इस बार किया है होली सेलिब्रेट। और अब बारी आती है शाम में, सब कोई रेडी हो गया है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को अबीर लगाए हैं। होली में ना बहुत ही अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। और बाबू यहाँ पे सो रही थी तब तक, हम लोग सोचे चलो अबीर लगा लेते हैं, उसके बाद बाबू उठेगी तो फिर उसके साथ भी अबीर खेल लेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसे टीका ही लगाना है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, अभी 4 मंथ की है वो। और मैंने मम्मी जी को और अपने हस्बैंड को अबीर लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया, एक दूसरे को अबीर लगाया और बहुत सारा फ़ोटोशूट करवाया, वीडियो के साथ हमने फ़ोटो भी लिया। और अब हम जाने वाले हैं नीचे, और इसी बिल्डिंग में बिहार से भी हैं एक लोग, तो हम लोग को अभी नीचे जाना है उन लोग के साथ अबीर खेलने। तो बाबू के उठने के बाद हम लोग जाएंगे, और बाबू उठ चुकी है तो हम लोगों ने उसके साथ बहुत सारे फ़ोटोशूट करवाए, वीडियो लिए, और मम्मी जो से अबीर लगा रही है, ज़्यादा नहीं लगाए हम लोग। और ये देखिए, इतना सारा पकवान बना है, तो इसे लेकर अभी हम जा रहे हैं नीचे। और ये लोग के यहाँ हम गए थे अबीर लगाने एक दूसरे को, ये बिहार से हैं और इसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक दूसरे को अबीर लगाया। और यूट्यूब में वीडियो डालने के साथ साथ ये हमारी बेटी के लिए यादगार भी हो जाएगा, वो जब भी देखेगी वो याद करेगी कि मेरी हो गया आरना। इस रात मेरे यार ना भी यार भेजा चलो
तो हम लोग अभी गए थे अपने पड़ोसी के यहाँ, हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने सबको होली खेला, एक दूसरे को अबीर लगाए, क्योंकि यहाँ पर किसी से ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं है, तो बस नीचे लोग थे उन्हीं के साथ हम लोगों ने अभी अबीर लगाया है, और अभी हम लोग ऊपर आए हैं, फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो ये है हमारी गुड़िया जिसका पहला होली था, तो आप लोग भी इसे बोल दीजिए हैप्पी होली। और ये अपना फ्रॉक में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था इसको, क्योंकि बैंगलोर में बहुत गर्मी है और ये बहुत ज़्यादा अंसा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसका कपड़ा उतार दिया है। और होली भी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, हम लोग की छोटी सी फैमिली है लेकिन हम लोग आपस में ही खूब मस्ती करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और हर फेस्टिवल को यादगार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग खाने जा रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे कि और क्या क्या बना है। तो एक बच्चे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ खूब इंजॉय भी की, और ये इसका पहला होली है, तो बेबी हैप्पी होली। फ्रेंड्स तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और होली सेफली मनाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।